नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक विद श्याम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आप अपने YouTube के सारे वीडियोस पे आई बटन कैसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों, आई बटन सेट करने के लिए ना तो सब्सक्राइबर्स की जरूरत होती है और ना ही कोई इस पे कंडीशंस होते हैं। दोस्तों, आप अपने YouTube के सारे वीडियोस पे आई बटन सेट कर सकते हैं और साथ में आप सारे पुराने वीडियोस को आई बटन सेट कर प्रमोशन कर सकते हैं। अपने एक वीडियोस के ऊपर कितने आई बटन सेट कर सकते हैं, तो आप एक वीडियोस के ऊपर 5 आई बटन लगा सकते हैं, यानी 5 आप पुराने वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए आपकी वीडियो थोड़ी लंबी होनी चाहिए, तो आप 5 आई बटन को आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इस तरह का लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें, जैसा कि मैंने ओपन कर लिया है। दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ youtube.com सर्च कर लें। youtube.com सर्च करने के बाद आप इस 3 डॉट पे क्लिक कर डेस्कटॉप साइट ओपन कर लें। दोस्तों, डेस्कटॉप साइट ओपन करते ही आपका एंड्रॉयड सिस्टम कंप्यूटर के जैसा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप योर चैनल पे चले जाएं। दोस्तों, उसके बाद आप यूट्यूब स्टूडियो से भी आई बटन को सेट कर सकते हैं या फिर आप कस्टमाइज चैनल से भी आई बटन को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करने को सलाह देता हूँ, क्योंकि यहां से आपको सारे वीडियोस आ जाएगी। दोस्तों, यहां पे आप देख रहे हैं वीडियो मैनेजर। अब इस वीडियो मैनेजर पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको सारे वीडियोस आ जाएंगे। आपने जितने सारे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, वो सारे वीडियोस आपको यहाँ शो होने लगेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने जितने वीडियो अपलोड कर रखा है वो सारे वीडियो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपके भी चैनल पे इसी तरह का शो होने लगेगा। तो अब मैं यहाँ पे कोई एक वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ जिस पे मैं आई बटन सेट करके दिखाता हूँ 2 से 3 आई बटन कैसे सेट किया जाता है। तो दोस्तों, मैं फ्रंट का कोई एक वीडियो ले लेता हूँ। तो चलिए, मैं इस सेकेंड वाली वीडियोज़ को लेता हूँ और मैं इस वीडियो पर 3 आई बटन सेट करके दिखाता हूँ। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आप ध्यान से नहीं देखते हो, स्किप करते हो, तो आप बीच में कई सारे इन्फॉर्मेशन को छोड़ देते हो। दोस्तों, क्या करना है आपको, इस एडिट वाली बटन पे क्लिक कर देना है, यानी ये जो पेंसिल वाली बटन दिख रहा है, आप इस पेंसिल वाली बटन पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद आपको राइट साइड में आपको आई कार्ड दिखेगा। ये जो आप देख रहे हैं, सर्कल में आई लिखा हुआ है, स्मॉल आई, और साइड में कार्ड्स लिखा हुआ है। दोस्तों, इसी को हम लोग आई बटन के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पे आई कार्ड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आप इस आई कार्ड पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपको वीडियो लिंक ऐड करने का है और सेकेंड ऑप्शन आप कोई वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं और थर्ड ऑप्शन है आप कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई अदर सोशल मीडिया लिंक ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सोशल मीडिया लिंक में आप क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या कोई अदर न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और लास्ट आप देख रहे हैं लिंक। तो दोस्तों, लिंक पे आप कोई अदर यूट्यूब वीडियोस का लिंक ऐड कर सकते हैं जिसे आप मदद करना चाहते हैं। दोस्तों, अब मैं इसे स्क्रॉल करता हूं और मैं यहां पे दिखाता हूं कितने आई बटन मैं इस वीडियो में सेट कर सकता हूं। तो दोस्तों, मैं यहां 5 के 5 आई बटन सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो पे 4 आई बटन सेट करता हूँ। कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो 12 मिनट 35 सेकेंड का है और मैं इस वीडियो में 5 आई बटन को सेट कर सकता हूं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, आप इस लाइनिंग को देख रहे हैं, आप इस लाइनिंग को
वहीं पे सेट करना जहाँ पे आप आई बटन को सेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं फर्स्ट आई बटन को यहाँ पे सेट कर देता हूँ। उसके लिए आपको इस प्लस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आप अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो का लिंक आई बटन में सेट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, जितनी सारी वीडियो आपने अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में फर्स्ट आई बटन फर्स्ट वीडियो को ही रखना चाहता हूँ। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फर्स्ट आई बटन सेट हो गया है। सेकेंड आई बटन सेट करने के लिए मैं 3 मिनट पे लेता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से ये जो डंटा दिख रहा है आप इस डंटे को 3 मिनट पे फिक्स कर दें। उसके बाद आप इस प्लस पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको इस वीडियो पे क्लिक कर देना है, फिर आप अदर वीडियो लिंक ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं थर्ड वीडियो ले लेता हूँ। आप यहाँ पे मेरा दूसरा आई बटन सेट हो गया। अब लास्ट मैं आई बटन को सेट कर देता हूँ और उसके लिए फिर सेम कंडीशन है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 5 आई बटन एक वीडियो में सेट कर रखा है। इसके लिए मैं आपको बीच में ही बताया था कि अगर आपकी वीडियो लंबी है तो आप 5 आई बटन सेट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मैक्सिमम 5 ही आई बटन सेट करने के लिए मिलता है। तो दोस्तों उसके बाद आप क्या करें, आप इस सेव वाली बटन पर क्लिक कर दें, आपका आई बटन सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। अब सेव होने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आई बटन सेव हुआ या नहीं, तो इसके लिए मैं एक वीडियो आपको चलाकर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं अब मैं अपने YouTube चैनल पे आ गया हूँ और मैं आपको उस वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ जिस वीडियो पे मैंने आई बटन सेट कर रखा है। तो दोस्तों ये रहा मेरा सेकेंड वीडियो जिस पे मैंने आई बटन को सेट कर रखा है। इस पे मेरी फर्स्ट आई बटन 3 मिनट पे तो ऑटोमेटिक सजेशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप पुराने वीडियो का लिंक ऐड करते हैं तो आपकी व्यूज़ बढ़ेंगे और मैंने इस वीडियो पे सेकेंड आई बटन 6 मिनट पे लगा रखा। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं 6 मिनट जैसे ही होता है वीडियो पे वो ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देता है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे में पुराने वीडियो का लिंक डालते हैं नई वीडियोस के ऊपर तो आपकी पुराने वीडियोस पे अच्छी खासी व्यूज आने लगेगी और आपकी वो वीडियो भी वायरल हो जाएगी। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इस तरह का लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे।